मलप्रा आगरा, हम आपके साथ सच के साथ, अब नहीं छुपेगा कोई अपराध। नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना। लंबे समय से धरने पर बैठे गुतला के किसानों को यह खबर राहत देने वाली है। मंगलवार को प्रशासन ने उनकी कुछ मांगों को अनुमोदन के साथ प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने का निर्णय लिया। किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए भूमि अधिग्रहण और करार के समय की दरों में अंतर वाली राशि किसानों को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जमीन के बीच में आने वाली परिसंपत्तियों के नुकसान की राशि देने पर भी सहमति बन गई है। इसके अलावा किसानों को 2.5 साल का ब्याज देने के संबंध में विचार करने का आश्वासन दिया गया है। वर्ष 2009 में इनर रिंग रोड के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जबकि करार 2011 में हुआ था। इसके बाद से किसान 2.5 साल की ब्याज की मांग को लेकर 22 महीने से धरने पर हैं। 2 दिन पहले पुलिस के साथ उनका संघर्ष भी हुआ, मामला शासन स्तर तक पहुंच गया था। इसको लेकर डीएम ने मंगलवार को शिविर कार्यालय में बैठक बुलाई। लगभग 2 घंटे तक चली मैराथन बैठक में किसानों ने 2.5 साल का ब्याज देने का मुद्दा उठाया। किसानों का कहना था कि पहले साल में 9 और दूसरे साल में 15% ब्याज दी जाए। नया करार करने वाले किसानों के मूलधन के साथ 15% ब्याज दिए जाने की बात रखी थी। डीएम एनजी रवि कुमार ने कहा है कि वह अधिकारियों से विमर्श करेंगे, इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। इनके प्रस्ताव को बनाकर शासन के पास भेज दिया जाएगा। किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने डीएम से दो डूक शब्दों में कह दिया है कि वह स्वयं किसानों के बीच जाकर उनकी मांगों के माने जाने के संबंध में बताएं, इसके बाद ही धरना खत्म होगा। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह, सचिव राजू लवानिया, सपा के जिलाध्यक्ष राम समाय यादव, भाकियू के जिलाध्यक्ष गुड्डू चार, कमलेश तोमर, आमिर खान, राजेंद्र सिंह, मुकेश पाठक, शिवकांत शुक्ला, कृपाल सिंह, मनोज कुमार, लाखन सिंह, विशंबर सिंह, भूदेव सिंह, दाताराम सिंह आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं किसानों की राय। शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम श्याम सिंह चाहर। अच्छा, जो आज आपके यहाँ जो डीएम ऑफिस में जो मीटिंग थी, क्या उसमें डीएम साहब और किसानों के बीच में जो वार्ता हुई है उससे किसान संतुष्ट है? डीएम साहब ने वादा किया है कि किसानों को जो मूलधन है वो मिलेगा, जो 1600 में वो मिलेगा, जो किसान का यानी ब्याज है उसको भी किसान को दिया जाएगा। इस पर किसानों और जिला प्रशासन के बीच में जो समझौता हुआ है, कल ये पूरा डॉक्यूमेंट निकाल करके किसानों को भी दिया जाएगा कि कितना किसान का ब्याज बढ़ना है, कितना क्या रह गया वो भी किसान को दिया जाएगा, यानी सारा कुछ उनको दिया जाएगा। और सीमांत, लघु सीमांत, जो अन्य योजनाएं हैं उसका भी लाभ किसानों को दिया जाएगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि डीएम साहब, जो आपने किसानों के ऊपर जो कार्य किया है, बार बार आप बधाई हो। हम तो ये चाहते हैं कि यानी जो लखनऊ की कुर्सी है उस पर आप विराजमान हो, किसानों के आप पक्ष में काम कर रहे हैं, बार बार बधाई है। हम ये चाहते हैं कि किसानों का जो जल्दी से ना ये निपटारा हो जाता है, ब्याज मिल जाता है, अन्य योजनाओं का जो पैसा मिल जाता है, तो हो सकता है कि आगरा की जनता कुछ सोचने के लिए बाध्य हो। नाम क्या है साहब आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है। अच्छा, आज ये डीबा आवास पर जो आपकी जो आज मीटिंग हुई थी किसानों को लेकर, क्या वार्तालाप हुआ? इसमें ऐसा, गुतला गांव में 22 महीने से किसानों का धरना चल रहा था शांतपुर जी, और उसमें कुछ मांगे नहीं मानी गई थी जी। ये जिलाधिकारी महोदय इतने अच्छे आए, इतने बढ़िया आए, किसानों के इतने काम करने वाले जी। आज हमें मीटिंग में बुलाया और किसानों की सारी समस्याएं सुनी और हमारी पूर्णतः सारी मांगे मान ली गई। जो हमारा पैसा बाकी रह गया भूल मान लिया गया, ब्याज सॉल्यूशन और जो वार्षिकी रह गई है, कुछ किसानों के पेड़ों के पैसे नहीं मिले, जितने भी हमारी मांगे सारी माननी गई हैं। हम जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देते हैं, ऐसे 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 अधिकारी बार बार आए, आते रहे और किसानों की समस्या समाधान बने रहे आगरा में।